नमस्कार दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के वो स्टार्स जो दिखाएंगे दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपना दम। जैसे कि हम जानते हैं कि दक्षिण फिल्मों के कलाकार हिंदी फिल्मों में भी किरदार करते रहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब बॉलीवुड के स्टार्स जिनका पहले से ही बॉलीवुड में अच्छा खासा रुतबा है, वो अब दक्षिण फिल्मों में काम करते हुए नजर आएंगे। दक्षिण भारतीय के एक्टर SJ Surya अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ये फिल्म पहली तमिल फिल्म होगी। बाहुबली के किरदार निभाने वाले प्रभास को आज कौन नहीं जानता। उनकी आने वाली अगली फिल्म साहू काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर भी लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी। बाहुबली निर्देशक SS Rajamouli ने ऐलान किया है कि उनके फिल्म RRR में अजय देवगन नजर आने वाले हैं। अजय देवगन की ये पहली साउथ इंडियन फिल्म होगी। RRR में आलिया भट्ट को भी कास्ट कर लिया गया है। वो फिल्म में रामचरण तेजा की हीरोइन बनेगी। आलिया की ये साउथ की पहली फिल्म होगी, यानी कि ये सारी फिल्में के नाम मैं आपको वो बता रही हूं जहां पर बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती आपको साउथ इंडस्ट्री में नजर आएगी। बजरंगी भाईजान फिल्म निर्देशक कबीर खान डायरेक्टर कर रहे हैं रणवीर सिंह की अगली फिल्म 83। इस फिल्म को मेकर साउथ इंडियन भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी में है। इंडियन 2 में कमल हसन के साथ अभिषेक बच्चन भी काम करने वाले, जिसका मतलब अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे अभिषेक भी साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में सुपरहिट मूवी 2.0 में अक्षय कुमार अपनी अदाकारी दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि अक्षय की ये पहली साउथ इंडियन फिल्म थी। रजनीकांत की फिल्म पेटा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शानदार तरीके से अपनी अदाकारी दिखाई थी। साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ इनका ये पहला कदम था। अगर मैं अगली फिल्म की बात करूं, अगली स्टार की बात करूं, तो वो है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, लेकिन हिंदी फिल्मों में आने से पहले वो कई सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बता दें कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने के बावजूद तापसी ने साउथ फिल्मों का साथ नहीं छोड़ा और अभी भी दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर एक्टिव रहती है। वे जल्द ही गेम ओवर के साथ दोबारा से दक्षिण की तरफ बढ़ने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर कई सारी मूवीज हैं जिसमें ये दिख रहा है कि साउथ इंडस्ट्री आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में या फिर भविष्य में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। और एक के बाद जिस तरीके से एक से बड़ी एक हिट फिल्में साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर बांध कर साउथ की तरफ निकलना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं KGF की बात करूं, पहलवान की बात करूं या फिर बाहुबली की बात करूं, ये सारी मूवीज वो है जिनको लेकर चर्चाएं बहुत ही ज्यादा है। ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो चुकी है और काफी ज्यादा कमाइयां करने में अभी भी लगी हुई है। अगर मैं RRR की बात करूं तो अभी रिलीज हुई भी नहीं है, यानी कि अभी शूटिंग स्टार्ट हुई है और शूटिंग से पहले ही इसको लेकर इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं, इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और जनता इतनी ज्यादा एक्टिव है इसके बारे में जानने के लिए कि ऐसा लग रहा है कि साउथ की हर एक फिल्म अपने आप में बहुत ज्यादा खास होती है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा लाजवाब होता है, स्टार कास्ट बहुत अच्छी होती है। तो देखा जाएगा कि अभी तो साउथ इंडस्ट्री छाई हुई है। अगर आपको भी लगता है कि साउथ फिल्मों का दबदबा अब होने वाला है और बॉलीवुड पर भारी पड़ने वाली है साउथ की हर एक फिल्म, तो प्लीज अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।